तो वेलकम बैक टू एनडी ट्रैवलर चैनल। और मैं अभी आ गया हूँ न्यूकासल, और न्यूकासल आए और नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी नहीं आया, तो फिर न्यूकासल क्यों आए? ऋषभ सरदाना, वन एंड ओनली फॉर न्यूकासल। तो कैंपस भाई एकदम मस्त है, तुम मतलब जब आओगे ना यहाँ पे तुमको लगेगा मॉडर्न कैंपस है, अनलाइक ग्लासगो यूनिवर्सिटी जहाँ से हम आते हैं, वो बिल्कुल ऐसा एंशंट हिस्टोरिक टाइप है, पर ये बहुत मॉडर्न ये कैंपस है। और यहाँ पे मतलब तू आया, यहाँ पे तेरे कुछ दोस्त वोस्त है? काफ़ी सारे दोस्त हैं। अभी हम जिस कैंपस में हैं वो लॉ एंड बिजनेस स्कूल है लेफ्ट साइड पे। अच्छा। और राइट साइड पे आर्ट डिज़ाइन एंड सोशल साइंस है। ओके। तो ये मेन जो बिजनेस वाले स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, उनके ये दोनों कैंपस होते हैं। ओके। फिर हम यहाँ से चलते चलते क्रॉस करने वाले हैं नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी का ब्रिज। ओके। तो ये ब्रिज पूरे एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक को कनेक्ट करता है। अच्छा। और साथ ही में वहाँ से सिटी सेंटर भी कनेक्ट होता है। ओके। तो जब अभी हम ब्रिज के इस साइड हैं, हाँ। और जैसे ही हम आगे ब्रिज कवर करने वाले हैं, और उस साइड पर जो उनके कंप्यूटर वाले जो लैब वाले सेक्शन हैं वो आने वाले हैं। ओके। और उसके साथ साथ नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एंड जिम, स्विमिंग पूल भी उसमें सब है, सोना स्टीम बात, और ये सब कंप्लीट वहाँ पर अंदर एक स्पोर्ट्स सेंटर बना हुआ है। हाँ। जिसके अंदर जिम एक्टिविटीज भी हैं। हाँ। स्पोर्ट एक्टिविटीज भी हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें सही। और है। अभी ये मेन हमारा लॉ स्कूल है लेफ्ट पीछे में। हाँ। और राइट साइड में आर्ट एंड साइंस, सॉरी आर्ट एंड सोशल साइंस। और काफ़ी अच्छा सा यार मॉडर्न सा इनका कैंपस है। देखा जाए तो न्यूकासल यूनिवर्सिटी और नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी में सिर्फ रैंकिंग का फर्क है। अच्छा। बट अगर रैंकिंग ज्यादा है, न्यूकासल की हायर है। ओके। बट अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज, बिल्डिंग्स, अमेनिटीज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, थोड़ी सी बल्कि सिटी सेंटर से ये ज्यादा करीब है। न्यूकासल का जो है कैंपस बिजनेस वाला, वो थोड़ा सिटी सेंटर थोड़ा सा क्रॉस करके आता है, ये सिटी सेंटर से बिल्कुल कनेक्ट करता हुआ। अच्छा। है क्योंकि अभी हम जिस ब्रिज से जाने वाले हैं उस तरफ, तो वो एकदम वो सामने की साइड पे कैंपस दिख रहा है हमें। और वो बिल्कुल सिटी सेंटर से कनेक्ट हो रहा है वो। ओके। क्योंकि हम वो ब्रिज को क्रॉस करते ही सीधा नॉर्थम्बरलैंड स्ट्रीट आ जाती है। अच्छा। जो की सिटी सेंटर है एकदम मेन, जहाँ पर जो हमारे जो शोस चल रहे थे हमारे कल सैटरडे को, तो वो हमारा सिटी सेंटर है। और यहाँ से काफी सारी स्टूडेंट अकोमोडेशन पास में है। ये स्टूडेंट अकोमोडेशन है ये सारी? ये तो प्राइवेट घर है, बट इसके पीछे जो है ना बिल्डिंग्स, ये स्टूडेंट अकोमोडेशन, ये जो दिख रही है पीछे, और एक जैसे ये यूनाइट स्टूडेंट्स की बन रही है। अच्छा। हाँ, ये ब्रिज के बीच में से भी रास्ता निकलता है। ओके। फिर आप हम जैसे आए मैनर से, हाँ, तो वो यहाँ से आ जाएगा स्ट्रेट। ओके। ठीक है। और IQ स्टीफनसन, द शील्ड, हाँ, काफी पास में है और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। अच्छा। लोकेशन के मामले में एकदम परफेक्ट लोकेशन है इसके, है ना, नॉर्थम्ब्रिया की। और दूसरा ये जो जैसे अभी लॉ बिजनेस स्कूल था यहाँ पे, तो कैसा है, मतलब इसकी रैंकिंग कैसी है? इसकी यार शायद मुझे इतना कंफर्म नहीं, बट 800 या की कुछ रेंज में रैंकिंग है। अच्छा। और ये मतलब ऐसा है क्या कि इस चीज के लिए नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी जानी जाती है, ऐसे कोर्सेज है क्या ये, या ऐसा कोई कोर्स है इसमें? यहाँ पर ज्यादातर मैं देखता हूँ जो बच्चे आते हैं वो प्लेसमेंट ईयर लेकर आते हैं। अच्छा। क्योंकि नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी में ज्यादातर 18 मंथ्स वाले, हाँ, 2 साल वाले कोर्स ज्यादा हैं। हाँ। और न्यूकासल में जितने भी बच्चे मास्टर्स वाले आते हैं वो 1 साल, तो वो 1 साल का ही कोर्स होता है। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफी अच्छी है, तो फीस का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बट यहाँ पर 2 साल आपको रुकने को मिल जाता है। तो जो सैंडविच कोर्स टाइप होता है, हाँ, या प्लेसमेंट ईयर वाला कोर्स प्लान कर रहे हैं, बराबर, तो वो आ सकते हैं। और काफी अच्छा वेदर हुआ हुआ है यार, बहुत ही सनी डे आज। हाँ। जैकेट भी मैंने उतार रखा है। सही। तो बहुत अच्छा सा आपको व्यू दिखने वाला है यूनिवर्सिटी का। अभी हम आगे कवर कर रहे हैं, और अगर बैक साइड में आप थोड़ा सा घूम के दिखाओ। हाँ। बैक साइड मेन बिल्डिंग, ये जो है इनका लैब वाला जो साइड बोल रहा था मैं, कंप्यूटर साइंस हो गया और दूसरी चीजें हो गई। हाँ। ये पूरा ब्रिज है ऊपर से, और यहाँ पर से आप देखोगे तो नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी का पूरा इस पे लिखा हुआ है, ऐसे किया हुआ है, एम्बोस्ड है। बहुत काफी अच्छा व्यू भी आता है दोनों तरफ से कार्स का जाते हुए। तो ये ब्रिज, और ये ब्रिज करता हमेशा है। हैपनिंग रहता है, मतलब कुछ ना कुछ ये सिटी सेंटर को भी कनेक्ट करता है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वगैरह
यही ब्रिज यूज करते हैं इधर से उधर जाने के लिए. इवन जो न्यूकासल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी यहीं से होकर के जाना पड़ता है क्योंकि हमारा भी जो बिजनेस कैंपस है वो ये ब्रिज क्रॉस करते ही सिटी सेंटर और सिटी सेंटर से राइट, मतलब दूसरे वेज भी हैं बट जो लोग आईक्यू में सीढ़ी में या ये इन अकोमोडेशन में रह रहे हैं उन्हें ये बड़ा कन्वीनियंट पड़ता है जाने के लिए क्योंकि हम बिल्कुल जो सामने देख रहे हैं ना यहाँ से वो सिटी सेंटर दिख रहा है हमें. अब जैसे ही हमने ब्रिज क्रॉस किया है और ये पीछे इनका दूसरे कैंपसेस है ये इधर सिटी सेंटर आ गए वो हमारे सामने जो दिख रहा है बिल्डिंग पीछे वाइट सी फुट असाइलम सीधा दिख रहा है नॉर्थम्बरलैंड स्ट्रीट पर बराबर. और ये इनका बाकी का कैंपस है जैसे ये इनका थोड़ा इंजीनियरिंग वाला साइड जो है वो एक छोटी सी कार भी लगी हुई है डिस्प्ले में एलिसन सी पावर एंड इंजीनियरिंग. तो हर सेक्शन की अलग अलग रैंकिंग्स है तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी आ रहे हो तो आप सोचो बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है. न्यूकासल से ही आप देखोगे तो ये न्यूकासल से है. बोल बहुत सारे इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसका न्यूकासल यूनिवर्सिटी से ही टाइप है. बहुत सारों का पहले हुआ करता था वो न्यूकासल यूनिवर्सिटी के ही अंडर आते थे बट अब कुछ कुछ अलग हो गए तो बहुत सारे अभी भी जो इसके डिपार्टमेंट है दे आर स्टिल लिंक्ड विद न्यूकासल यूनिवर्सिटी. इंटरनली और एक्सटर्नली वो एक दूसरे को डिस्प्ले नहीं करते हैं ऐसा बट बहुत सारे उसमें न्यूकासल यूनिवर्सिटी के अंडर में ही ये यूनिवर्सिटी आती है. तो कोई बुरी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. और मैं बोलूंगा कि कैंपस जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है नॉर्थम्बरिया का भी अंदर से देखा है और न्यूकासल का भी रहे हो यहाँ पे अभी दो मैं ऑनेस्ट अगर रिव्यूज दूं तो नॉर्थम्बरिया का कैंपस थोड़ा मॉडर्न है थोड़ा न्यू है. एग्जैक्टली मतलब न्यूकासल का भी नो डाउट बहुत अच्छा कैंपस है बट जो मेन कैंपस जो न्यूकासल का है वो थोड़ा सा ओल्ड बिल्डिंग है बट वो थोड़ा हिस्टोरिकल सा बना हुआ है बट उसका एक वाइब अलग है और ये थोड़ा मॉडर्न आर्किटेक्चर है. तो इसमें भी आपको सिस्टम्स वगैरह बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी इसमें नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल मत सोचो कि रैंकिंग नीचे जा रही है तो लेवल ऑफ एजुकेशन नीचे जा रहा है, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है आपका. यहाँ पर एक छोटी सी ये इनकी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है और कंप्यूटर लैब सा है. यहाँ पर स्टूडेंट्स आके अपनी जैसे लाइब्रेरी में नहीं बैठ रहे हैं यहाँ तो इधर बैठते हैं. अब जैसे ये इनके प्रिंटर्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा पास आओ मैं दिखाता हूँ. शायद ये जो बड़े बड़े A4 साइज के पेपर्स होते हैं वो इसके लिए डिसर्टेशन के वगैरह होते हैं A4. तो इनका एक क्रेडिट्स दिए जाते हैं आपको आप जब एडमिशन लेते हो तो आपके के बेसिस पे आपको यहाँ पर से प्रिंट करने को मिलता है. लाइक मैं जब आया था तो मुझे 35 pounds के क्रेडिट्स मिले थे और 20p का एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है एंड इफ यू वांट कलर तो वो 80p का होता है. आप जितना प्रिंट करना चाहो करो और बहुत रीजनेबल प्राइजेस हैं यहाँ के हिसाब से. और अगर आपको लगता है कि मुझे और चाहिए क्रेडिट्स यू कैन पे एंड बाय मोर क्रेडिट्स. तो अपने स्टूडेंट अकाउंट में पैसे डालो और फिर एग्जैक्टली. तो ये हमारे पास में एक ये छोटी सी शॉप है जो नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होने वाले जिन्हें वहाँ की हुडी चाहिए जैकेट चाहिए. और हमारे पीछे की साइड जो है वो है स्पोर्ट्स सेंट्रल जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी दिख रहे होंगे. तो वहाँ पर हो गया जिम स्विमिंग पूल और जो मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी बताई थी. 18 pounds की फीस है जिम की बस स्टूडेंट पर मंथ जिसमें स्विमिंग स्पोर्ट्स जिम एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. और जिसको स्विमिंग या जिम नहीं जाना है दे कैन ओनली ऑप्ट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी. अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सिर्फ 3 pounds चार्ज होता है. ओके तो उसमें क्या क्या आता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में? मतलब कोई भी आप जो वॉलीबॉल खेलते हो फुटबॉल खेलते हो अगर आप नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो यू कैन प्ले विद देयर टीम, यू कैन प्रैक्टिस विद देयर टीम एंड इफ यू प्ले वेल मे बी यू कैन प्ले फॉर द नॉर्थम्बरिया टीम एंड यू कैन मे द लीग्स एंड मैचेस विच कीप्स हैपनिंग वेरी ऑफ्टनली. और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं. आगे आपको हो सकता है PhD भी अगर यूनिवर्सिटी ऑफर कर सकती है फ्री में अगर आपने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेला है तो यू वोंट बी चार्ज एनी पेनी फॉर स्टडिंग हियर. तो बहुत सारे जो अच्छे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं तो उनके लिए बहुत यहाँ पर सामने लिखा है स्पोर्ट्स सेंट्रल फिटनेस मेंबरशिप 18 pounds नो ज्वाइनिंग फीस एट ऑल. एंड जो नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी के नहीं हैं
उनके लिए आई गेस इट्स 28 pounds पर मंथ. ओके, बट इफ यू आर, आई थिंक अगर आप न्यूकासल से भी हो एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव योर वैलिड स्टूडेंट आईडी, यू विल स्टिल बी ऑफर्ड द सेम प्राइस आई गेस. अच्छा, सेम प्राइस, बट आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट यू विल हैव टू कंफर्म. सही है, मिनिमम टर्म 3 months का लिखा है. राइट, एंड देन लर्न टू स्विम इज नॉट इंक्लूडेड विद दिस फिटनेस मेंबरशिप. ये जिन्हें स्विमिंग करना है उनके लिए ये है कि यार इसमें स्विमिंग इंस्ट्रक्टर आपको सिखाएगा नहीं. हाँ. ये आपको अपने उस पे जाकर करना है, एक लाइन तक ही फिर आप जा सकते हो. एंड इफ यू नो स्विमिंग, इसमें जो है प्राइस में, इसमें ऑफ पीक और पीक वाला आता है? नहीं, दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस. और इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिनिमम डायरेक्ट डेबिट होती है आपके कार्ड में से 3 months के लिए. ओके, यहाँ लिखा है मिनिमम टर्म 3 months. सो 18 pounds इज फॉर 3 months मिनिमम, नॉट फॉर 3 months, पर मंथ 18 pounds विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कार्ड डायरेक्टली. सो यू विल जस्ट हैव टू पुट योर कार्ड्स डिटेल ऑन द नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट एंड देन दे शुड लेट यू इन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 3 months. ओके, ये तो हो गया, मतलब स्पोर्ट्स सेंटर हो गया ये. स्पोर्ट्स सेंटर भी काफी मॉडर्न बना रखा है, मस्त है एकदम, बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है. और जिम भी काफी अच्छा है सामने, ये कैफे सा बना हुआ है, सोशल स्पेस है, बिल्कुल कनेक्टेड है यहाँ से. बट इट हैज नथिंग टू डू विद आई थिंक नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, उनका प्राइवेट नहीं है ये. बट कोई भी आ सकता है, कोई भी, इट्स सोशल स्पेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ आते हैं. और इनके यहाँ से दूसरे कैंपस भी पीछे कनेक्ट हो रहे हैं, जो बैक साइड की बिल्डिंग्स हम वहाँ से देख रहे थे. जो हमने लाइब्रेरी आपको मैं बोल रहा था, तो वो सामने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी दिख रही है हमें लेफ्ट में. और एक ये सोशल स्पेस बना हुआ है, बट यहाँ पर कोई भी आकर चिल कर सकता है, ऐसा नहीं है. हैबिता नाम है इस प्लेस का, वो बोर्ड लगा है. तो ज़्यादातर तो यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, या फिर जब मैच वगैरह होता है तो दूसरे लोग भी आते रहते हैं. अब ये है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी डिजिटल कॉमन्स, और वो है स्टूडेंट सेंट्रल. सो आप देख सकते हो स्टूडेंट ऊपर बैठे हुए सोशलाइज कर रहे हैं, जहाँ मेकिंग देयर असाइनमेंट्स. और जैसे आपका कोई ग्रुप एक्टिविटीज है, यू कैन बुक द रूम और यू कैन बुक द टेबल. राइट, ऐप होती है नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी की, और न्यूकासल में भी इट अप्लाइज द सेम कि ऐप से आप अपनी अपने रूम्स या अपनी स्पेस बुक कर सकते हो. ओके, वो हर उसमें नहीं होता बिल्डिंग में, किसी किसी बिल्डिंग में स्पेसिफिक स्पेसेस होती है विच आर बुकेबल, तो उन्हें बुक करो एंड यू कैन स्टडी, यू कैन इन योर ओन टाइम. मतलब जो हमारा खुद का, आपने मान लो 4 बंदों को बैठ के एक रूम में डिस्कस करना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, प्रेजेंटेशन बनानी. इवन ऐसे भी रूम्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको मान लो प्रेजेंटेशन देनी है या फिर प्रोजेक्टर चाहिए, और इन केस यू नीड अ बिग एलईडी स्क्रीन, तो वैसे रूम्स भी अवेलेबल है. नॉर्थम्ब्रिया का इतना स्पेसिफिकली नहीं बता, बट न्यूकासल में जरूर है. तो आई गेस कि इसका कैंपस तो काफी मॉडर्न है, सो डेफिनेटली अंदर से भी होगा ही. और अब हम जा रहे हैं सीधा हे मार्केट की तरफ, यहाँ से निकल के. तो ये हो गई यहाँ पे नॉर्थन में ऑलमोस्ट खत्म, ये सिटी कैंपस से हम पूरा चल के आ गए, वो न्यूकासल यूनिवर्सिटी वाले. एग्जैक्टली, सो अब ये न्यूकासल का जो है हमारा कैंपस चालू होने की तरफ, अब हम जा रहे हैं किंग्स गेट. वो जगह है जहाँ पर न्यूकासल के जो स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले जाना पड़ता है उन्हें. क्यों स्पेशली इंडियंस, बाकी का मुझे पता नहीं है. क्योंकि वहां पर होता है आपका बीआरपी कलेक्शन. ओके, जो आपका बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट कार्ड आता है. पोस्ट ऑफिस में नहीं आता, पोस्ट ऑफिस और यूनिवर्सिटी, यू गेट टू ऑप्शन स्टूडेंट्स में. बराबर, सो इफ यू चूज यूनिवर्सिटी तो वो उधर आएगा, यू विल हैव टू कम एट दिस प्लेस. तो अगर नॉर्थम्ब्रिया वाले भी है तो वो उधर ही जाएंगे? नो, सो नॉर्थम्ब्रिया का देयर इज अ डिफरेंट एडमिन सेक्शन. ओके, और न्यूकासल यूनिवर्सिटी के लिए एक अपना एडमिन सेक्शन है. अच्छा, तो यहाँ का जो है, जो पूरा न्यूकासल का हैंडल करता है, दैट इज किंग्सगेट कैंपस, जो हमारे बिल्कुल सामने है. ओके, और इसे कहते हैं हम हे मार्केट स्टेशन. हे मार्केट, ओके. तो ज्यादातर जितनी बसेस आती है यहाँ पर, सन्डरलैंड, डरहम, या कोई दूसरे टाउन से, या फिर वॉल्स एंड गेट्स है जो आसपास के एरिया है, सबकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है हे मार्केट स्टेशन पर. तो हे मार्केट इज अ बस स्टैंड एज वेल एंड इट इज अ मेट्रो स्टेशन एज वेल. तो जो भी आ रहे हैं, अगर कितना भी दूर रह रहे हैं, हे मार्केट तक कनेक्टिविटी यू विल फाइंड इजीली. और सॉरी, थोड़ा सा सिग्नल हमें रुकना पड़ेगा आई गेस. यहाँ पर सिग्नल्स होते हैं यार, जहाँ पर हमें रुकना पड़ता है. एकदम से हम चलते हैं, हम कैमरा लेकर चल रहे हैं, सो इट्स काइंड ऑफ रिस्क. तो भाई को सब्सक्राइब जरूर करना, हम इतनी रिस्क ले रहे हैं कैमरा हाथ में ले लेके. तो ये नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी का कैंपस था हमने जो टूर दिया अभी, और भाई ने अभी जो जो बताया तुमको, आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन थी. तो इसका इंस्टाग्राम का मैं ये लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको इसको फॉलो करना है तो आप कर सकते हो. तो फिर से मिलते हैं, और अभी हम लोग दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूकासल यूनिवर्सिटी का टूर देने वाले, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड. ओके गाइस, बाय.